हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंडर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 9, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। क्वेश्चन में बोला है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR इन विच QR इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड PQ प्लस PR इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ ये क्वेश्चन में प्लस है, तो जो भी प्लस का डायग्राम रहेगा वो अलग है। इसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेट 4.2 का करेंगे तो वो डायग्राम में माइनस आएगा वो अलग रहेगा, प्लस वाले डायग्राम्स हमेशा आपका ऊपर बनेगा और जो माइनस वाला डायग्राम रहेगा उसमें जो आपका ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा नीचे बनेगा। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा हमारा कंप्यूटर स्क्रीन जिसके ऊपर हम आपको डायग्राम पूरा बनाकर दिखाने वाले। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको तीन सेगमेंट्स मैंने बताए, तो जो भी QR रहेगा, जो भी आपको वैल्यू अकेला दिख रहा है वो आपका बेस रहेगा। तो इसमें आप बेस को क्या कंसिडर करने वाले, दैट इज योर QR इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, वो आपका क्या होने वाला है, बेस होने वाला है। तो स्केल पे आप क्या ड्रॉ करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप आपका क्या रहेगा, एंगल Q ड्रॉ करना है। हमेशा सबसे पहला बेस ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद क्या ड्रॉ करेंगे, एंगल क्यू ड्रॉ करेंगे जिसका मेजरमेंट आपको दिया है 40 डिग्री। तो एंगल ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर को आप रखेंगे, उससे पहले आपको नेमिंग करना पड़ेगा क्यू और आर। तो ये हो गया मेरा क्यू का नेमिंग और ये हो जाएगा मेरा पॉइंट आर। आप किधर भी रख सकते हैं पॉइंट क्यू और पॉइंट आर, कोई प्रॉपर मेजरमेंट उसका नहीं है, किसी भी साइड रख सकते हैं। अब जहाँ पर आपका क्यू है वहाँ पर आप क्या रखेंगे, प्रोटेक्टर, और कितना डिग्री का एंगल लेंगे, तो 40 डिग्री का एंगल को आप कंसिडर करेंगे। ये आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, प्रोटेक्टर देखो प्लेस आउट करना है। अब ये क्यू पे अगर आपने सेंटर पॉइंट रखा तो आपका काउंटिंग जो चालू होगा वो आर से चालू होगा और आर के ऊपर 40 डिग्री लेंगे, और अगर आपने आर पे रखा है तो आप दूसरे साइड से काउंटिंग चालू करेंगे तो वो क्यू की साइड से चालू होगा। फिर स्केल से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, दैट इज योर स्ट्रेट लाइन होगा, दैट शुड ज्वाइन पॉइंट एंड पॉइंट क्यू, एक वो जो पॉइंट आपने ड्रॉ किया है वो, और दूसरा पॉइंट क्यू को जो क्या करना चाहिए, ज्वाइन। ऐसे देखो स्केल को प्लेस आउट करके आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। यस, एडजस्टमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा बिकॉज द थिंग्स आर गोइंग ऑनलाइन, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशंस होता है तो बहुत फटाक से कर्सर मूव करता है। तो ये हो जाएगा आपका लाइन, जो कि कितने डिग्री का आपने बनाया, तो 40 डिग्री का लाइन बनाया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको जो भी प्लस वाला वैल्यू दिया ना, PQ प्लस PR इज इक्वल टू 8.5, तो उसका आपको क्या करना है, राउंडर लेना है, राउंडर के ऊपर 8.5 का मेजरमेंट लेना है और क्यू पे रख के आपको आर ड्रॉ करना है। चलिए उसको देखते कैसे ड्रॉ करेंगे। तो टेक अ राउंडर, राउंडर लिया आपने, राउंडर के बाद अब क्या करेंगे, राउंडर पे मैंने क्या बोला, कितना मेजरमेंट, 8.5, जो भी प्लस वाला मेजरमेंट रहेगा वही आपका राउंडर पे आप मेजरमेंट लोगे। तो राउंडर पे आपका मेजरमेंट कितना आएगा, 8.5 का मेजरमेंट। यस, 8.5 का मेजरमेंट आएगा, ठीक है। अब उसको रखेंगे कहाँ पर, तो आर पे नहीं रखना है, क्यू पे रखना है, जिधर से आपने एंगल बनाया वहीं पर आपको मेजरमेंट रखना है, जहां से आपने एंगल बनाया वहीं से आपको उसका मेजरमेंट रखना है। यस, और फिर क्या करेंगे, जो लाइन आपने ड्रॉ किया उस लाइन पे आप क्या करेंगे, 8.5 का क्या बनाएंगे, आर्क बनाएंगे। अब ये आर्क को आप ज्वाइन किधर करेंगे, तो पॉइंट आर से ज्वाइन करने का, पॉइंट आर से कैसे ज्वाइन करेंगे, तो यस, वहां पर देखो आर का पॉइंट और पॉइंट आर, ये दोनों को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है लाइक दिस। आई होप आपने अभी तक का डायग्राम पूरा क्लियर आउट अच्छे से प्रॉपरली बना रहेगा। इसके बाद दो स्टेप और करेंगे, आपका ट्रायंगल रेडी हो जाएगा। यस, अब इसको आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। अब ध्यान देना, ये जो लास्ट लाइन आपने ज्वाइन किया है इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, और इसी लाइन को आपका आपको क्या करना है, इसी लाइन का आपको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करेंगे, अब उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आप राउंडर से ड्रॉ करेंगे, कौन से लाइन का ड्रॉ करना है, तो जो लाइन आपने लास्ट में बनाया, तीन लाइन में से जो लाइन लास्ट में बनाया, मैंने ये वाला लाइन लास्ट में बनाया, तो इसका मुझे क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये क्या होगा, मोर देन हाफ,
ये आपका टोटल वैल्यू, इससे आपको क्या करना है थोड़ा सा पीछे रखना है, यस थोड़ा सा पीछे लेने का, दोनों साइड आपको क्या करना है आर्क का ड्राइंग करना है। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ड्रॉ करने में, बट आप इजीली ड्रॉ आउट कर सकते हैं। पहले आप देख तो लीजिए कैसे ड्रॉ करना है, उसके बाद देखो एक आर्क आपको इस साइड ड्रॉ करना है और एक आर्क आपको सेकेंड साइड ड्रॉ करना है। सिमिलरली उस पॉइंट पे रख के आपको दोनों आर्क ड्रॉ करने हैं। सिमिलरली यहाँ पर रखने का है और यहाँ पर भी आप क्या करोगे एक आर्क ऐसे ड्रॉ करोगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना जब आप आर्क ड्रॉ कर रहे हो तो दैट आर्क शुड कट ईच अदर, और यहाँ पर आप क्या करेंगे सेम आर्क आप ड्रॉ करेंगे, यस बस इतना ही आपको पॉइंट चाहिए था। अब आप क्या करेंगे ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्केल। स्केल का एडजस्टमेंट रुकिए करने दीजिए प्रॉपरली। फिर यहाँ से आपको आपको क्या ड्रॉ करना है एक सिंगल सा लाइन ड्रॉ करना है प्रॉपरली, जैसे आपको रेड लाइन दिख रहा है वैसा का वैसा ही आपका ड्रॉइंग आएगा। अब ये जो यहाँ पर अभी जो पॉइंट बताऊंगा वो पॉइंट जरा आप ध्यान से मार्कआउट करना, देखो कौन से पॉइंट की मैंने बात की है। ये वाला तो लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, अब आप कौन सा पॉइंट कंसिडर करेंगे वो चेकआउट करिए। यस देखिए मेरा स्केल को मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ और कौन से पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ, वो पॉइंट से ही हमेशा आपको क्या करना है डायग्राम को ड्रॉ करना है। यस आपको ये पॉइंट दिखा बराबर, ये पॉइंट से ही आपको क्या करना है हमेशा लाइन को ज्वाइन करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जब भी पॉजिटिव रहेगा तो उसमें ट्रायंगल ऊपर बनेगा, मतलब ये क्यू आर जो बना है क्यू आर के ऊपर साइड में अपर साइड में आपका ट्रायंगल बन रहा है, बट अगर ये आपका नॉर्मल रहता तो वो आपका कहाँ रहता क्यू आर के डाउन साइड में बनता। बस इसके बाद की फॉर्मेलिटीज है, वो दोनों 90 डिग्री का साइन, दो पिंक कलर का लाइनिंग बनेगा। ये जो पॉइंट रहेगा ये पॉइंट को आपको नेमिंग करना है पी, और वो ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको आप कोई भी नेम दे सकते हो, इसीलिए मैंने उसको स्टार्टिंग में नेम पी नहीं दिया। फिर आपको लिखना है क्यू आर का वैल्यू, प्लेस आउट करना दैट इज योर 4.2, एंगल आपको लिखना है 40 डिग्री, फिर आपका डायग्राम बन के रेडी हो जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना आपको रफ फिगर भी जरूर बनाना है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स आपका रफ फिगर के लिए और सॉरी 1.5 मार्क्स आपका रफ फिगर के लिए रहेगा और 1.5 फॉर योर डायग्राम, बट अगर ये 3 मार्क्स का रहेगा तो 1 मार्क्स आपका रफ फिगर के लिए और 2 मार्क्स आपका डायग्राम के लिए। हाँ ये टोटल मेजरमेंट कितना है, ये टोटल मेजरमेंट हमारा कितना था तो 8.5, सॉरी वो पीआर वाला लाइन देखो गायब हो गया, उसको आप क्या करोगे ये जॉइनिंग एक बार वापस देख लीजिए कि यहीं से हमेशा आपको ज्वाइन करना है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। यस दिस इज योर परफेक्ट डायग्राम, खाली आपको वहां पर 8.5 का मेजरमेंट लिखना और रफ डायग्राम आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये डायग्राम पसंद आया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर डायग्राम इंटरेस्टिंग वे में बताया जा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी सेकेंड डायग्रामेटिक कंस्ट्रक्शंस के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।